बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सामने जो छोटी पहाड़ी है जिस पर हुज्जाज किराम भी मौजूद हैं, कि वो पहाड़ी है जिसे जबल रुमात कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल उहद के इस मैदान में इस पहाड़ी पर सहाबा किराम को खड़ा किया था, इनकी ड्यूटी आयद की थी। और वो तीर अंदाज सहाबा किराम थे जिनको इस पहाड़ी पर मामूर किया गया था कि आपने इस पहाड़ी को किसी सूरत में नहीं छोड़ना। तो उस ख़ता की वजह से कि ये हजरात समझे कि शायद फतह हो गई है और फतह तक ये हुक्म था, पहाड़ी से नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद जो मुशरिकीन की तरफ से थे, उस वक्त तक इस्लाम कबूल ना किया था, पहाड़ी की पिछली जानिब से, ये रास्ता आप देख रहे हैं, इस तरफ से गुजर कर पहाड़ी पर पिछली तरफ से हमला किया। जो कुछ तीरंदाज सहाबा मौजूद थे उन्हें भी शहीद किया। और फिर सहाबा किराम पर पिछली तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ से यूं आकर सहाबा किराम और अहले इस्लाम पे हमला आवर हुए, जिसके नतीजे में 70 सहाबा किराम भी शहीद हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनदान मुबारक शहीद हुए। ये आपकी ज़िंदगी का एक सख्त तरीन दिन था, जिसमें सहाबा किराम के दरमियान उम्मत में आपकी शहादत की अफवाह भी फैल गई। तफसीली वाक़ियात तो कुरान हदीस की रोशनी में हम जान सकते हैं। बहर कैफ यहाँ आना, इसका मकसद इन सहाबा किराम की कबूर की ज़्यारत, इनके लिए दुआ और अपने लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब ये सहाबा किराम जैसी अजीम हस्तियाँ भी अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर अमल ना करने की वजह से, जो यकीनन उनकी ख़ताई इज्तिहादी थी, वो मुखलिस और मुमिन मुसलमान थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनकी मगफ़रत की कई बार कुरान मजीद में ऐलानात फरमाए, जहाँ ये फरमाया कि ख़ता है, वहाँ ये भी फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया, अगर उन हजरात की भी एक ख़ता अल्लाह की मदद से महरूम होकर यूँ शहादतों की सूरत में तब्दील हो सकती है, तो फिर पूरी उम्मत के लिए सबक है कि हम अल्लाह के नबी के अहकामात पे अमल करें, आपके फ़राइज़ वाजिबात दीन इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में दीन को ज़िंदा करें। अगर खुदा ना खास्ता उम्मत ऐसा ना करे, अल्लाह के नबी के फरामीन को पसे पुष्ट डाल देगी, तो फिर परवरदगार आलम से मदद की उम्मीद रखना और ये सोचना कि अल्लाह की मदद आए, हमारे हालात बेहतर हो जाएं, वतन पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाए, उम्मत की हालत बेहतर हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी फ़िक्री गलती होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से हमें यहाँ बार बार की हाज़िरी नसीब फ़रमाए और हमें ये सबक भी याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।